सब्सक्राइब कीजिए एसआर टाइम यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। सिर्फ एक रुपए की फीस लेकर फकीरों की नकल करते हुए मोहम्मद रफी बॉलीवुड के दिग्गज बन गए। हिंदी सिनेमा जगत में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों के दिलों पर कब्जा जमाने वाले मशहूर गायक मोहम्मद रफी की 31 जुलाई को पुण्यतिथि है। मोहम्मद रफी के गाने आज भी लोगों के जुबा पर आते ही मानो समा सा बन जाता है। वैसे तो रफी के ज्यादातर गाने सुपरहिट रहे, लेकिन उनके गाए कुछ नगमे आज भी दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। कहा जाता है कि रफी साहब ने अपने गांव में फकीर के गाने की नकल करते करते गाना गाना सीखा था। मोहम्मद रफी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस बतौर गायक 13 साल की उम्र में दी थी। KL सहगल ने उन्हें लाहौर में एक कंसर्ट में गाने की अनुमति दी थी। साल 1948 में मोहम्मद रफी ने राजेंद्र कृष्णन द्वारा लिखा हुआ गीत सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी गाया था। यह गाना देखते ही देखते इतना बड़ा हिट हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर पर यह गाना गाने के लिए निमंत्रण दिया था। मोहम्मद रफी के निधन के दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि निधन की अंतिम यात्रा की रिकॉर्डिंग को हिंदी फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया है। मोहम्मद रफी की अंतिम यात्रा इतनी बड़ी स्तर पर की गई थी कि लोग आज भी याद करते हैं। उस वक्त करीब 10,000 लोग यात्रा में शरीक हुए थे। मोहम्मद रफी ने न केवल गायकी बल्कि एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। रफी साहब ने लैला मजनू और जुगनू फिल्म में बतौर एक्टर काम किया था। यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और ताबड़तोड़ कमाई की। मोहम्मद रफी ने ज्यादातर गाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। उन्होंने उनकी फिल्मों के लिए करीब 369 गाने गाए थे, जिसमें से 186 सोलो शामिल हैं। यहां तक कि रफी ने आखिरी गाना भी इन्हीं के लिए गाया था। कहा जाता है कि रफी साहब किसी भी संगीतकार से यह नहीं पूछते थे कि उन्हें गाना गाने के लिए कितने पैसे देंगे। यहां तक कि कभी कभी सिर्फ 1 रुपए में भी कई फिल्मों में गाना गाया है। मोहम्मद रफी ने न केवल हिंदी बल्कि कई भाषाओं में गाना गाया है।